जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों डाल देता हूँ डाल दिया हूँ, और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद देखिए क्या मांगता है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट, फिर से मैं नेक्स्ट इसको कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये फ़ोन में मेरा वाईफाई है जो नेट थोड़ा स्लो है, इसलिए देखिए जैसे ही मैंने, अब मेरा पासवर्ड भी सही है और मैंने अपना ईमेल आईडी भी सही डाल दिया, फिर भी यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा है, वेरिफिकेशन मांग रहा है। इतना वेरिफिकेशन है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं योर फोन बट इज सिक्योरिटी की नॉट सपोर्टेड ऑन डिवाइस और ब्राउजर, मतलब कि ये मेरा मेरा अलग फ़ोन में भी ये ऑलरेडी मेरा ईमेल आईडी चल रहा है, इस फ़ोन में मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे इसका सही जानकारी देनी पड़ेगी कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही लॉगिन कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे ये मोबाइल नंबर पे देखिए 8 डिजिट का बैकअप कोड डालना पड़ेगा, या मोबाइल नंबर पे हमारा कोड जाएगा वो मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये सब प्रोटेक्ट आप अपने ईमेल आईडी में लगा सकते हो, कभी हैक नहीं हो पाएगा, कभी आपका मतलब ईमेल आईडी कोई हैक कर ही नहीं पाएगा। अगर करना चाहेगा तो आपके पास आएगा, आप नोक पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। आप अपना कोड भी चेंज कर सकते हो, अगर किसी को पता बाई चांस चल गया है तो आप अपना कोड चेंज कर सकते हो, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। उसके लिए उसको आपको या तो आपका फ़ोन होना चाहिए उसके पास, या तो आपका मोबाइल से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे देखिए 200 200 500 500 करके मैंने 2500 3000 रुपया विन किया है। यहाँ पे सबसे बड़ी स्पिन आती है, स्पिन करके पैसे जीत सकते हो। इसमें चूज कर सकते हो कि आप कौन सी जीत रही है, मतलब छोटा सा दिमाग लगाना है, अगर चूज कर लेते हो तो इसमें पैसा 2 गुना 4 गुना बढ़ा सकते हो। सबसे बड़ी तो बात यह है कि ये गेम बिल्कुल अनपढ़ गंवा रहे और जाहिल झपाट भी खेल सकते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे डाउनलोड करके पैसा कमाना आज ही स्टार्ट करें। इसके लिए हम अपने ईमेल आईडी में जाएंगे, देखिए ये है रहा हमारा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में आने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर राइट सॉरी लेफ्ट साइड में ऊपर में 3 डॉट है, 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे। चलिए 3 डॉट पे क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा हम नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हम अपना ईमेल आईडी, यहाँ में जितना हमारे फ़ोन में लॉगिन होगा ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी दिखाई देगा। हम अपने ईमेल आईडी जिस पे सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं उस पे क्लिक करेंगे। चलिए उस पे हम क्लिक करने के बाद ऊपर ही देख लीजिए आ रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैनेज योर गूगल अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे। मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करते ही यहाँ हमारा गूगल अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा ईमेल आईडी खुल चुका है, शो होने लगा है। थोड़ा सा हम मतलब राइट साइड में इस तरफ क्लिक करेंगे, स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पे हम क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर हम स्लाइड करते जाएंगे, ऊपर स्लाइड करेंगे, यहाँ पे देख रहेंगे 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे हम। 2 स्टेप वेरिफिकेशन यही है मेन मुद्दा हमारा, ये ऑटोमेटिक हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा जिस पर जीमेल आईडी पे हमें लेके जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है, खोल रहा है। खुलने के बाद यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे, आप जो ईमेल आईडी है हमारा उस ईमेल आईडी का पासवर्ड डालेंगे। चलिए पासवर्ड डाल लेता हूँ, तो वीडियो पॉज कर दे। यहाँ पे देखिए मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया है, नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दूँगा मैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मैं इसको कट कर दूँगा। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू, इस कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगेगा जो इंडिया का फ़ोन नंबर रहना चाहिए। यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डालूँगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि कॉल या फ़ोन, यानी कौन सा मैसेज पाना चाहते हैं, तो मैं टेक्स्ट मैसेज पे डाल दूँगा। मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है, यहाँ पर डायरेक्टली मैं कुछ नहीं करूँगा, सेंड पर क्लिक कर दूँगा। चलिए सेंड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो मैंने मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा। मेरा वन टाइम पासवर्ड आ चुका है, मैं उसको यहाँ पे फिल कर दूँगा, ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पे मैं फिल कर दूँगा। चलिए मैं फिल कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर मैंने वन टाइम पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट पर भी क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए उसके बाद सब कुछ डालने के बाद हमारे यहाँ ऊपर डिवाइस आ चुका है कि मैं कौन सा डिवाइस यूज कर रहा हूँ, वो डिवाइस यहाँ पे आ चुका है, अगर सही है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टर्न ऑन का आएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन आया है, इसको टर्न ऑन कर देंगे। टर्न ऑन हमारा देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी आ चुकी है जो आप पढ़ना चाहते हो, तो कैसी हमारी प्राइवेसी है। उसके बाद नीचे हम स्लाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा सिक्योरिटी आप में लगाया गया, इसके वजह से 2 स्टेप वेरिफिकेशन बैकअप कोड आ जाएगा आपको, और अथेंटिकेट
ऐप आएगा, सिक्योरिटी की आएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। सबसे बढ़िया आपका एक ऑप्शन आएगा जो देख सकते हैं यहाँ पे, आप मतलब जितने फ़ोन में लॉगिन किए हो ईमेल आईडी सब फ़ोन से डिलीट करना चाहते हो, एक इसी फ़ोन में चलाना चाहते हो, तो रिवोक ऑल पे क्लिक कर देना। चलिए मैं रिवोक ऑल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए रिवोक ऑल पे क्लिक करते ही ओके का ऑप्शन आ रहा है, मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा रिवोक ऑल यानी सारे डिवाइस है, मेरा ईमेल आईडी ये लॉग आउट हो चुका है। बस एक मेरा इसी फ़ोन में ईमेल आईडी इसी फ़ोन में है जो ईमेल आईडी मेरा चल रहा है, ऐसे प्रवेशी लगा सकते हो। अगर आपने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें और आज ही बन जाए हमारे YouTube चैनल के फैमिली मेंबर, जिससे आप बहुत सारी मतलब अपडेट्स पा सकते हैं और साथ में ही आपकी विवेक का आनंद लेते रहें।